जाती भाई। क्या 2021 वाले जो बालक आए हैं ये हरियाणा जी के पढ़ना नहीं जानते? इसमें तो बिहार का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा, यूपी का होगा, सब खातर बराबर टेस्ट बना दिया। तो फिर ये क्यों कहते हम हरियाणा में 70% केवल हरियाणा वाले को देंगे या क्या देंगे? हरियाणा वाले को क्या देंगे? आप डर के, आप पेपर बनाते समय डर के आपके अंदर माफिया घुस गए हैं। आपका एक बार पेपर आउट हो गया, आपका पता लग गया, आप पेपर बनाना भूल गए। आपने नुए नहीं मेरा पेपर बनाना क्या है, मतलब आपने ये पेपर बनाना ही भूल गए। एक बार पेपर आउट हो गया तो अरे सख्ताई करो। 6 पेपर बनाए थे एक शिफ्ट में, ओपन के पेपर हो, दिल्ली ओपन का पेपर है, ओपन के पेपरों की तरह पेपर छाप कर घेरती है। और कहते हैं हरियाणा वाले को रोजगार मिलेगा, टट्टू मिलेगा हरियाणा वाले को रोजगार। कैसे मिलेगा हरियाणा वाले को रोजगार? अब पता नहीं, एक चेयरमैन एक भर्ती पूरी नहीं कर पाए, नया चेयरमैन आया था, बताए इन्हें पेपर कैंसिल हो गया, तो नुना मेरा देना के है। क्या वो भर्ती पूरी नहीं हुई? आज छाप का घेर दिया पेपर, 350 से 300 किलोमीटर तक बालक जावे हैं, उड़ जान दे पेपर में पावनी धांस। जमींदारा के गरीब बालक हैं, यही से इतने होशियार होते तो याड़क तारे पुलिस की बाट देख कर यूपीएससी में भी लाग जाए, वो 11-15 लाख के हरियाणा के, वो ठीक रहे पहले तैयारी करके, ना तो हम तो मार करोगे अड़े बेरोजगारा ने। और इस पेपर की तो बच्चे इतनी बाट देख रहे थे कि बहुत गणी, इस सरकार ने नाश कर दिया भाई। इब तो ही तो नू थाले पेपर ले लेगी, 2019 की भर्ती थी, इसमें 2 पीसिया का पेपर नहीं बना रखे हो, बोले नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। कर ले नॉर्मलाइजेशन, क्या मैं कर लोगे नॉर्मलाइजेशन? गोले ना भरे जाए बालका के तो क्या का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा? अरे नू तो बताओ, कोई बुद्धिजीवी नू तो बता दो हरियाणा वाले के फायदा है इस पेपर में? हरियाणा वाले का फायदा जी बोता हूँ, हरियाणा के पर्सन आते अदर स्टेट वाले पाड़ेंगे टेस्ट ने, अदर स्टेट वाले का फायदा हो जाएगा इसमें। तो हमारे बच्चों को रोजगार क्यों मिलता था? क्योंकि हरियाणा जी के होती थी, इनू को देंगे सरकार ने कर्मचारी मिल जाएंगे इनू तो, लेकिन वो बाहर के इलाके में कहीं नहीं थी। बोखला की सरकार पेपर बढ़ाते समय फड़फड़ाने लगी सरकार, क्यों फड़फड़ा रही है सरकार? 8-8 पेपर देरी है, क्यों फड़फड़ा रही है सरकार? ये जो बच्चे रात दिन, अरे 3-3 बजे तक जागे हैं बालक, अरे पेपर में धांस नहीं, मतलब क्या है? आवाज नहीं उठाओगे तो सरकार जीसा लेने लाग रही बालका का। सरकार वो बातें नहीं करते हो, इतने बड़े हो गए हो, इनका तो अहंकार आ गया भाई। और अहंकार तो किसी का भी नहीं चल रहा, इनका पूरा अहंकार है इस टाइम पे। बहुत गलत हो रहा है प्रदेशवासियों के लिए, युवाओं के लिए, खासकर उनकी काली दिवाली मनवा दी सरकार ने, जिन्होंने 1.5-2 साल से इस भर्ती के लिए इंतजार करा था, बिल्कुल काली दिवाली मनवा दी सरकार ने उन युवाओं की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मान ले आज की शिफ्ट में 1 लाख बच्चा ने पेपर दिया होगा, तो 1 लाख में एक बालक भी ये कह दे, एक बच्चा भी ये कह दे कि हाँ पेपर सही था, तो हम मानने के लिए तैयार हैं। तो ये बता दो चेयरमैन साहब हमें इस बात का जवाब दे, बच्चों को 2016 की भर्ती हो या हरियाणा पुलिस की, 5,000 की सेम भर्ती थी, क्या उसमें हरियाणा जी के नहीं दी? आपने दी थी, पुलिस में बच्चे सेवा कर रहे हैं। 2018 में भर्ती हुई, उसमें बच्चे सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? 2018 में हरियाणा जी क्या आई? सारी बातों को छोड़ो, सारी बातों को गोली मारो, आपका जो भर्ती में जो पिछला पेपर आउट होया कैंसिल होया उसमें भी तो हरियाणा जी के थी, या क्या रातों रात नौबत आ गई आपने? अब की बार हरियाणा जी के नहीं दी तो पेपर लीक हो नहीं हो? हरियाणा जी के की वजह से पेपर लीक हुआ था क्या पिछली बार? ये जवाब दे दो मुझे बस। हरियाणा जी के देने से पेपर लीक हुआ था क्या? मुझे तो इस बात का जवाब दे सरकार, मुझे तो क्यों दे, बच्चों को दे। मैं तो इसलिए बच्चों दर्द होता है इस बात का, ये बालक मारे भैया मेरे द्वारा फोन करे गुरुजी हरियाणा जी के ना ही, भाई मैं तो पढ़ना में था सरकार का हिसाब थे, हम तो तैयारी पेपर का हिसाब तक करावा थे, पिछले पेपर 2016 में भी आ रही थी भाई हरियाणा जी के, वो भी मार पर पढ़ कर लागे, 2018 में भी
अरे हाँ जी क्या रही जो भी मार पपट कल आ गई हमके एक भाई।